दोस्तों मैं हूं जीशान आड़ीपुर। आप देख रहे हैं अपनी इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। आज की इस वीडियो में बताने वाले, अगर आपका अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक SBI में है तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर खुद से बिना ब्रांच जाए अपने घर से ऑनलाइन किस तरह आप चेंज कर पाएंगे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को। ठीक है, तो कैसे जानने के लिए हमारा ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना होगा। अगर आप हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप देखते देखते और फॉलो करते जाएंगे तब ये आपका सक्सेसफुल कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो आपके लिए पहले से बताया बना दिया हूँ। यहाँ पे देखिए स्लीपिंग जॉब है, आपको ये एक कंपनी है जो 9 घंटे आपके घर में ही सोने का 1,00,000 रुपये देती है। क्या फंडा है, क्या मैटर है, इसके वीडियो में पूरी चीज विस्तार से बताया गया है। आधार कार्ड की 15 सर्विस जो मोबाइल पर लाइव की गई है UIDAI की ओर से, वो भी यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे PDF को रिसाइज करना है, JPG को PDF, PDF को JPG, सभी तरह के बारे में इस वीडियो में हमने बताया है। और यहाँ पे बिना वाटर मार्क का फुल HD वीडियो इंट्रो किस तरह बनाते हैं उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। और इसी तरह मैंने सभी वीडियो आपके लिए बनाते रहो, तो आप वीडियो लिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। उसके लिए आपको आना होगा एक वेबसाइट पे onlinesbi.com पर। मैं आपको बता दूं, तभी आप सुधार कर पाएंगे जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते होंगे, नेट बैंकिंग SBI का यूज करते होंगे, तब आप इसको चेंज कर पाएंगे। अगर नहीं यूज करते हैं तो उसके लिए अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस वेबसाइट पाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करेंगे onlinesbi.com। उसके बाद इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पर्सनल बैंकिंग है और यहाँ पे एक बटन मिल रहा है आपको कंटिन्यू टू लॉगिन। तो सिंपली करना कुछ नहीं, कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका नेट बैंकिंग अकाउंट नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे नेट बैंकिंग बना लीजिए। न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने नेट बैंकिंग का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग अकाउंट बना लीजिए। अगर बना हुआ है तो यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड और ये कैप्चर जो है इसमें इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चर में इंटर कर चुका हूँ। उसके बाद करना कुछ नहीं, सिंपली इस लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लॉगिन हो चुका है। कुछ लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ आपका अकाउंट नंबर, यहाँ आपका ब्रांच और यहाँ पे क्लिक करके अवेलेबल बैलेंस जान सकते हैं और यहाँ अपना ट्रांजेक्शन जान सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट को पूरी तरह यहाँ से आप नेट बैंकिंग से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिला है, माई अकाउंट इन प्रोफाइल, पेमेंट और ट्रांसफर। यहाँ से अपने अकाउंट से किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते, फिक्स डिपोजिट कर सकते, ई टैक्स कर, ई सर्विस रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते, ATM कार्ड के चेक वगैरह के लिए बहुत सारी इसमें आपको सुविधा मिल जाती है। आपके मतलब आपकी बैंक की जो सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट वगैरह सारा चीज़ निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो मुद्दा वीडियो का मतलब कि मोबाइल नंबर चेंज करना, तो उसके लिए यहाँ माय प्रोफाइल पाएंगे। माय प्रोफाइल पाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिला प्रोफाइल, तो प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे प्रोफाइल बटन में क्लिक करने कुछ इस तरह आपके पास सेंटर फेस आ जाएगा। यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ऊपर में आपको मिल रहा है फिर से माय प्रोफाइल, तो फिर से माय प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने में यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं देना, जब आप इसमें अकाउंट बनाए होंगे तो आपको दो पासवर्ड रखने को बोला गया होगा, एक प्रोफाइल पासवर्ड एक लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं देना है और प्रोफाइल पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे वो पासवर्ड एंटर कर चुका हूँ। उसके बाद करना है कुछ नहीं, सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक डिटेल, आपका पूरा एड्रेस, पूरा चीज़ आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, यहाँ पे आपका पैन कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट के पैन के साथ अपडेट कर सकते हैं, अपने अकाउंट में आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपको पहले से ऐड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर शो कर जाएगा और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ये सबको अपडेट कर सकते हो। मोबाइल नंबर जो अपडेट है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करना है तो चेंज पर क्लिक करेंगे। तो चलिए चेंज पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम वगैरह, आपका मोबाइल नंबर जो पहले से जुड़ा वो, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिले हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर, चेंज मोबाइल नंबर थ्रू ब्रांच, चेंज मोबाइल नंबर डोमेस्टिक ओनली थ्रू OTP या ATM कार्ड या कॉन्टैक्ट सेंटर के द्वारा आप कर सकते हैं। चलिए मैं OTP के द्वारा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो न्यू मोबाइल नंबर आप ऐड करना चाहते हो वो न्यू मोबाइल नंबर को इसमें इंटर कर देंगे और फिर से उसी मोबाइल को इसमें री इंटर कर देंगे। दोनों में आपको एक ही नंबर देना, जो न्यू मोबाइल नंबर जो नया सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम मोबाइल नंबर दे देते हैं एक। तो जैसा आप देख पा रहे मोबाइल नंबर इंटर कर चुका हूँ मैं। उसके बाद करना कि तुम्हें सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करना।
सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई एंड कंफर्म योर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा। सिंपली से ओके बटन पे क्लिक कर देना। चलिए ओके बटन पे क्लिक करते हैं। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन मिला है क्या चीज़ से आप करना चाहते हो, ओटीपी से या कॉन्टैक्ट केयर से या एटीएम कार्ड से। मैं ओटीपी से करना चाहता हूँ, ओटीपी के लिए ऊपर में बाय ओटीपी वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मेरा अकाउंट नंबर है, एक ब्रांच नेम है, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। हम इस अकाउंट नंबर के मोबाइल को चेंज करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप एंटर कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर सुधार के लिए मतलब चेंज के लिए रिक्वेस्ट चले जाएगा। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो ऐड है वो मेरा पर्सनल नंबर ऐड है, तो मैं उस नंबर को नहीं चाहता हूँ कि चेंज करूँ। और जब आप सबमिट कर देंगे, रिक्वेस्ट क्रिएट कर देंगे, तो आपको लगे कि नहीं मुझे चेंज नहीं करना चाहिए या कोई चीज़, ठीक है, कोई कारण हो, तो यहाँ पे आपको आ जाना है कैंसिल रिक्वेस्ट पे। कैंसिल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो आपने रिक्वेस्ट डाला है उसको आप कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आपको कैंसिल करने का एक बटन मिल जाएगा, उसको कैंसिल कर देंगे आप, तो ये जो सुधार करने का आपने क्रिएट किया रिक्वेस्ट वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर सुधार करने के लिए आप रिक्वेस्ट डाल दो, उसका स्टेटस देखना है क्या है, पेंडिंग है या रिजेक्ट हो गया या हो गया है, वो स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली से मैं बता दो क्या क्या करना है, इसको माय अकाउंट में आना है, उसके बाद प्रोफाइल में जाना है, उसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट पे क्लिक करना है। तो फिर से चलिए बता देता हूँ, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर प्रोफाइल ही नहीं तो आप मोबाइल डिटेल वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये सब कुछ नहीं करना है। सिंपली से आपको मोबाइल माय प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से भी आप पर्सनल डिटेल मोबाइल से भी जाके कर सकते हैं चेंज। और यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम जैसे सेट अकाउंट नहीं कि नेम चेंज पासवर्ड मैनेज ओपीआई एप्लीकेशन बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाए। यहाँ पे अपने अकाउंट के साथ ईमेल एड्रेस को जोड़ सकते हैं, वहाँ से भी जोड़ सकते थे जो मैंने आपको बताया, पैन कार्ड को जोड़ सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे सेट लैंग्वेज, आपको जो एसएमएस आता है सेट एसएमएस लैंग्वेज, ठीक है, कि आपके अकाउंट से इतना रुपया कट गया, इतना रुपया आया, ये हुआ वो हुआ, तो उसको उसका लैंग्वेज आप सेट कर सकते हैं। वो जो एसएमएस मिलेगा आपको वो कौन सी लैंग्वेज में मिलेगा, कौन सी भाषा में आपको अच्छी होगी, आसानी होगी, तो यहाँ पे सेट एसएमएस लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड देंगे, जो भी आपका प्रोफाइल पासवर्ड होगा उस पासवर्ड का आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। प्रोफाइल पासवर्ड को इंटर करने के बाद यहाँ पे करा सेलेक्ट द लैंग्वेज, मेरा इंग्लिश सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आपको दो लैंग्वेज मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश कोई भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका आसानी से सबमिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश ही रखना है तो इसलिए मैं अभी चेंज नहीं करूँगा। और इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए, पूरी चीज विस्तार से चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको नेट बैंकिंग बनाना नहीं आता है उसके बारे में वीडियो चाहिए तो कॉमेंट कीजिएगा, तो हम जरूर आपके लिए बना देंगे, ठीक है। तो उसके बारे में नेट बैंकिंग में अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद मैं सारा चीज़ आपको करके दिखाऊंगा, एटीएम कार्ड का रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करूंगा, अगर आपको चाहिए तो चेकबुक के लिए अप्लाई करूंगा, सारा चीज़ के लिए मैं अप्लाई करूंगा ऑनलाइन ही नेट बैंकिंग बना के। अगर चाहिए उस पर एक वीडियो तो मैं आपको पूरी चीज़ इसमें हर एक ऑप्शन की आपको अच्छे से वीडियो बनाकर समझा दूँ। तो अगर चाहिए तो वीडियो के नीचे जाना है, कमेंट करना होगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको जल्द से जल्द उस वीडियो को आप तक पहुंचा दूंगा। वीडियो अगर ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।